क्या ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ कि? वो तो हमको मालूम नहीं, हम बॉडी ले जाने आए हैं नगर पंचायत से सफाई। अच्छा, आप नगर पंचायत से हो। अभी यहाँ कितनी बॉडी रखी हुई है? तीन तीन, और ये एक जल रही है। हाँ, वो मेल है। टोटल चार बॉडी है। ये लेडी है, ये महिला है। महिला है। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं डोंगरी गाँव से, डोंगर गाँव से। हाँ, नगर पंचायत सफाई कर्मचारी। क्या नाम आपका? सतीश टांडिकर। ऑक्सीजन का लेवल तो कम था उनका, ब्रीथिंग डिफिकल्टी ज़्यादा थी उनकी। अच्छा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का दिए थे उनको, यहाँ पे है ऑक्सीजन मशीन, कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक वाला, वो लगा है उनको, लगा हुआ है। था, पेशेंट डेड हुए। हाँ, लेकिन फिर भी उतना जल्दी रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें बहुत कम ऑक्सीजन लेवल पे आए थे ना। अच्छा, इससे जल्दी से रिकवर नहीं कर पाए, कल शाम को ही उन लोग एडमिट हुए। वो नेगेटिव है, लेकिन वो होम आइसोलेट होकर के हैं। और उससे जानकारी ली गई, उसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम आ गया है और वो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी, उसको रेस्ट करने कहा गया। आज जिले के हर कोविड केयर सेंटर में जो ब्लॉक में बने हैं, सब में हमने 10 से 15 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की है। और जो डेथ की जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है, उसमें कल 3 महिलाएँ जो एडमिट हुई थी, 1 की डेथ रात को ही और 2 की डेथ आज सुबह हुई है, और तीनों को ऑक्सीजन भी लगाया गया था। ऑक्सीजन कमी नहीं होने दी गई थी इनको, क्योंकि वो सेचुरेशन कम था, उसी स्थिति में कोविड केयर सेंटर में एडमिट हुए थे। एक ही मौत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई, उसकी जानकारी मेरे को अभी डिटेल मंगाया हूँ, आने के बाद बता दी जाएगी। सर, शवों को कचरा फेंकने वाले वाहन जो उठाया जा रहा है, किसी प्रकार के शव वाहन की व्यवस्था नहीं है? ये CMO नगर पंचायत और की व्यवस्था में है, ये वो उस तरह से गाड़ी का उपयोग उनको उनके द्वारा किया जाना है, ताकि शवों का जो अभी पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों के पास या जहां पर मुक्ति धाम बनाया गया है वहां ले जाया जाए। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू मोजो स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिज्म।